Hello friends, you are welcome on an academy platform. This is UPSC CSC question of an academy. Crack UPSC CSC with India, the largest learning platform, that is an academy. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. India's best educators, unlimited live and recorded courses aap paa sakte hain. अनअकेडमी पर एक प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखने को मिलता है। अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज़, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। डाउनलोड अनअकेडमी लर्निंग ऐप फॉर स्पेशल लाइव क्लासेस। माय नेम इज शशींद्र तिवारी। आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्रीज फ्रॉम सीजस यूनिवर्सिटी मेरठ। I am Faculty of Geography, Environment, Studies, Geography and Current Affairs. I have an experience of more than 7 years. I have taught in many reputed institutes of Mukherjee Nagar and Rajendra Nagar. This is my Telegram channel. You can join. Unacademy_Shashindra Tiwari is Telegram channel. पर आप सभी मेरे से जुड़ सकते हैं. Prepare with 100 plus top educators. साथ आपको preparation का chance मिलता है. अनअकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में मृणाल पटेल सर, रोमन सैनी सर, आयुष संगी सर एटसेट्रा आर द टॉप एजुकेटर्स। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबसेस की अगर बात करते हैं तो एसेस मोर देन 15,519 प्लस कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें जीएस फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल, कंप्लीट ऑप्शनल आपको प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पैटर्न 1 month ₹8,000, 3 months 20,000, 6 months 36,000 एंड 12 months 44,000, right? There are two modules, Plus and Iconic. Plus में live classes, test series, unlimited practice structure schedule. और Plus के लिए 12 months subscription charges 44,000. Using code and SNT1, get you to get 10% discount, 39,600. और 24 months के लिए 64,000. By using the code SNT1, you get 10% discount, 57,600. अगर हम बात करते हैं Iconic courses का, Iconic module जो आपका है, इसमें ये चारों कंपोनेंट्स के साथ में पर्सनल कोच, यहाँ मेंटोरशिप मिलेगा आपको, पर्सनल कोच मेंटोरशिप मिलेगा, जिससे आप फैकल्टी से एंगेज होकर अपनी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को स्टार्ट आउट कर सकते हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। 12 मंथ्स का स्ट्रक्चर इसमें 64,000 है। बाय यूजिंग माय कोड SNT1 यू गेट 10% डिस्काउंट, 57,600, राइट। 24 months के लिए 99,000, by using the code SNT1 you get 10% discount, 89,000, you can save almost 10,000. One announcement, on 19th October there is going to start GS batches, complete GS batches, and 20th October से, कल से आपका price hike हो जाएगा, इसलिए अपने आप को आप देखें कि price hike से बचें। There is question number one on screen. Question number one आपके screen पर है। Yes Priyanka. Yes Prakash Goro. दोनों languages में बेटा चलेगा। I will discuss it on both the languages. Any doubt? No. So Prakash Gauro ji, Priyanka, aur sabhi students ko very very good morning. And here we are today to discuss about the 12th lecture, 12th series of the MCQs on environment. MCQs environment par hum log 12th series yahan par discuss karne ja rahe hain. क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पर है। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड, इज क्या कहते हैं उसको। द मिनिमम एरिया ऑफ दैट
of the land required to completely sustain the life of one person is called, उसको क्या कहते हैं, बायोटा, बायोम। प्रियंका बी, क्वेश्चन नंबर वन का बी है बेटा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या निश। तो क्वेश्चन नंबर वन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है बेटा, आंसर इज बायोम। तो बहुत बड़ा एरिया होता है बेटा, बायोम में तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मेनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द व्हाट, बायोम। तो द आंसर इज व्हाट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑन एन इंडिविजुअल और अ पॉपुलेशन। इट एक्चुअली मेजर्स द डिमांड्स मेड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप पीपल और अ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेस। हिंदी में बोलूंगा बेटा, प्रियंका जी हिंदी में बोलूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर टू है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज टू प्रिजर्व। बायोस्फेरिक रिजर्व जो होता है वो किसको प्रिजर्व करने के लिए होता है, ग्रासलैंड को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, एटमोस्फेरिक बैलेंस को और जेनेटिक डायवर्सिटी को। इसमें किसको बैलेंस करते हैं बेटा, बायोस्फेरिक रिजर्व आर एरियाज टू प्रिजर्व, किसको प्रिजर्व किया जाता है, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एटमोस्फेरिक बैलेंस एंड जेनेटिक डायवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखना बेटा, क्वेश्चन नंबर टू आसान ब्रैकेट में ऑप्शन या कैसे करके ऑप्शन बता देना इसमें। डी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रकाश गौरव, प्रियंका ने भी आंसर डी दिया है, ऑल द बेस्ट बेटा। जेनेटिक डायवर्सिटी बायोस्फेरिक रिजर्व का वजह ही है कि जेनेटिक डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम डायवर्सिटी को मेंटेन करना। बायोस्फेरिक रिजर्व बनाया जाता है किसके लिए, डायवर्सिटी को मेंटेन करने के। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बायोस्फेरिक रिजर्व्स आर वन ऑफ द एरियाज ऑफ ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एन एनिमल स्पीसीज। नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड द रिजर्व्स, फॉरेस्ट सेक्टर आर द एरियाज ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब इन सभी में बायोडाइवर्सिटी को ही प्रिजर्व किया जाता है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है बेटा, पढ़िए। द सोलर रेडिएशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सोलर रेडिएशन का सर्वाधिक रोल किसमें होता है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा एक्चुअली क्या है कि वाटर साइकिल बिना सोलर रेडिएशन के चल ही नहीं सकता है। वाटर साइकिल कैन नॉट रन, मींस इसे आप लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, दैट कैन नॉट रन विदाउट द सोलर एनर्जी। जब तक सोलर एनर्जी नहीं तब तक वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इवेपोरेशन तभी होगा जब सन रेज आएंगे ना बेटा। हाँ, कार्बन साइकिल के लिए भी इंपॉर्टेंट, आप सही कह रहे हैं, कार्बन साइकिल भी, ऑक्सीजन का भी और वाटर साइकिल, नाइट्रोजन, सभी के लिए तो सनलाइट इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बेटा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर सपोज करो सोलर रेडिएशन नहीं आएगा तो ऐसे केस में सारा बॉडी फ्रीज हो जाएगा, वाटर बॉडी। हाँ, आंसर इज सी, नॉट गुड। सोलर रेडिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, इट हेल्प्स इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेवरल प्लेसेस लाइक ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। इट ऑल्सो फैसिलिटेट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के मेल्ट करने में भी इसका सपोर्ट रहता है ना। इट ऑल्सो फैसिलिटेट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड अदर स्नो लेडेड एरियाज। कंट्रीब्यूट टू व्हाट, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल एक कंट्रीब्यूशन के लिए।
Question number 4 on the screen. The author of Green Development is, जो ग्रीन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसका ऑथर कौन है? एमजे ब्रैडशॉ, एम निकोलस, आर एच वाइटेकर एंड डब्ल्यू एम एडम्स। तो क्या है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एकदम फैक्चुअल है, अगर इसको आप जानते हैं तो आंसर देंगे, नहीं जानते तो आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है, स्किप भी किया जा सकता है अगर नहीं जानते हैं तो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। प्रियंका जी कोशिश करिए अगर सुना है कभी तो, ग्रीन डेवलपमेंट का ऑथर कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। प्रकाश गौरव ए, डब्ल्यू एम एडम्स है बेटा। द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज व्हाट? डब्ल्यू एम एडम्स। विलियम एम एडम्स इज द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट। दिस द बुक provides a clear and coherent analysis of the sustainable development in both theory and the practice. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। Question number 5. Among the biotic components of the ecosystem, the producer system is, producer कौन है? Cow. जो इकोसिस्टम होता है बेटा उसके कई सारे कंपोनेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जीव, जैविक जीव, तो उसमें प्रोड्यूसर कौन है? काउ, पीकॉक, टाइगर, ग्रीन प्लांट्स। यूपीएससी प्रिपरेशन बी, दैट इज करेक्ट, ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। प्रकाश गौरव यू आर करेक्ट बेटा, एग्जैक्टली करेक्ट। डी ऑब्वियसली, प्रियंका का भी बढ़िया जवाब आया एकदम, अब की तो प्रियंका में लगा है कि बहुत कॉन्फिडेंस है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं, इनको हम हर्ब्स भी कहते हैं, और इनको जो कंज्यूम करता है वहां प्रोड्यूसर के बाद ही कंज्यूमर स्टार्ट होते हैं बेटा, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये सभी क्या है? कंज्यूमर्स हैं, और ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर है। ग्रीन प्लांट्स एक्ट एज द व्हाट? प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस देयर ऑन फूड एंड ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स आर categorized as the what? Consumers. Animals को consumers, actually क्या है? जो heterotrophs, living को बेटा two parts में divide कर सकते हैं ना, एक है heterotrophs, दूसरा autotrophs है। heterotrophs में herbivores, carnivores, omnivores ये सभी आते हैं, और autotrophs में plants आते हैं जो अपना energy खुद produce कर सकते हैं। analysis are categorized as consumers in the ecosystem and are डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीस विच फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा? इकोलॉजिकल नीस का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सीसी पार्क, ईपी ऑडम, जे ग्रिनेल, जीई हचिंसन,
आपने जी लिखने से बढ़िया आप लिख देते जे, तो आंसर सही हुआ था, जे ग्रिनल है। प्रियंका जी जे ग्रिनल, आंसर इज सी। प्रकाश गौरव सिक्स का डी, ठीक है बेटा। यूपीएससी प्रिपरेशन डोंट नोज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सारा थोड़ी आंसर जानना है, 50% ही तो क्या करना है आपको सही करना है। जोसेफ ग्रिनल वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश यूज इन हिज 1917 पेपर टिल्टेड टाइटल्ड द नीश रिलेशनशिप ऑफ द कैलिफोर्नियन ट्रेशर। नो इश्यूज नो इश्यूज, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं। बायोटिक का क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करिए, क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो और ऑप्शन पे फोकस करेंगे। जो नहीं पता है आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लो उसको। ये जो अभी आपको हमने बताया ना कि इकोलॉजिकल नीश का किसने, है ना, किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो उस इस नाम को याद कर लीजिए, जे ग्रिनल का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक फैक्ट अभी और आया था, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, इसका नाम याद कर लीजिए। तो ये सब जब जो चीज एक बार आप याद कर लोगे तो बार बार थोड़ी याद करना पड़ता है, वो है ना, उसको आप एक जब भी टेस्ट पेपर करने सॉल्व बैठते हो पढ़ाई करने, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठो साथ में और वहां से उसको नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या नहीं होता है, सॉइल सिस्टम, एनिमल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम एंड प्लांट सिस्टम। ये तो बेटा कॉन्सेप्चुअल है, बताइए इसका आंसर। तो यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से नाम लिखा करो बेटा, यूपीएससी प्रिपरेशन समझ में नहीं आता है, ए ही तो आंसर होना चाहिए बेटा। देखो सॉइल सिस्टम को हम बायोटिक में थोड़ी काउंट कर सकते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है ये, अबायोटिक कंपोनेंट्स में सॉइल, वाटर, मिनरल्स, एयर, ये सभी किसमें आता है, अबायोटिक में आता है। तो ऑप्शन क्या आ जाता है, ए हो जाता है बेटा। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड सोइल सिस्टम एज इट इज नॉन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, एनिमल सिस्टम, प्लांट सिस्टम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम आर द पार्ट ऑफ द बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स। हायर ऑर्डर बायोटिक लेबल इंक्लूड्स, हायर ऑर्डर बायोटिक लेबल्स इंक्लूड क्या करता है, पॉपुलेशन, सेल्स, जीनस और टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बात देखता हूं मैं कि जब भी आंसर ए मेंटल फॉर यू, बेटा आप बहुत एक्सपर्ट है, बहुत होशियार है, आंसर ए ही है इसका, पॉपुलेशन आंसर ए ही है, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। और
आंसर एक प्रियंका का भी आया है। प्रियंका तो जब भी आंसर देते हैं तो बहुत अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। प्रकाश गौरव इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा सभी लोगों का आंसर सही है इसमें। ये बात बहुत अच्छी तब है कि जब आपको जो आंसर आता है ना उसको आप एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस के साथ करिए, है ना। जो नहीं आता है यूपीएससी यही कहता है उसको मत करो। यूपीएससी सिखाता है गलतियां मत करिए, है ना। जब डीएम बन जाएंगे आप तब भी गलतियां मत करना बस। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द हायर ऑर्डर बायोटिक लेवल। इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट लिव इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन कहते हैं उसको बेटा। क्वेश्चन नंबर नाइन स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल का पार्ट कौन सा है? जियोलॉजिकल साइकिल देखिए बेटा, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। जियोलॉजिकल से मतलब है कि जो अर्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, अर्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या करता है? देखिए, जब कहीं रिवर्स फ्लो करती है तो वो डीप वैलीज बनाती है कि नहीं? तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, है ना, जो अर्थ का क्रस्ट है उसको चेंज करेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। आंसर इज सी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। इट इज रिलेटेड विद द व्हाट? ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑन द ग्लोब। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज द ओशियंस, रिवर्स एटसेट्रा। कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल एंड द नाइट्रोजन साइकिल आर टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल रिएक्शन। कैसा है ये? बायो जियो केमिकल। बायो भी है, जियो भी है और केमिकल भी है। यस। क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज प्रेजेंटेड बाय। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो नेचर से रिलेट नहीं कर रहा है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है। एग्रीकल्चरल लैंड ए, ऑप्शन बी पीसी कल्चर टैंक, ऑप्शन सी जू, ऑप्शन डी एक्वेरियम। एक्वेरियम बेटा जिसमें मछली को एक शीशे के अंदर बंद करके रखते हैं ना, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आंसर एक्वेरियम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डी। वेरी गुड। एक्वेरियम रिप्रेजेंट्स द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। These ecosystems are created by humans to mimic the natural ecosystem. Question number 11. All components and the individuals of an ecosystem are. All components and individuals in ecosystem are. Sabhi components और individuals को मिला क्या कहते हैं ecosystem में? इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, डिस्पेंसिबल। क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा। हाँ, नाइट्रोजन साइकिल
बायोकेमिकल साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बेटा, ना 11 का सी, इंटरडिपेंडेंट वेरी गुड, इंटरडिपेंडेंसी होती है। जितने भी लिविंग सिस्टम है उनका एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी होती है, तभी तो फूड चेन बनता है बेटा, फूड चेन बनता है तभी है। वेरी गुड वेरी गुड, तीन तीन बार आंसर लिख रहे हैं, क्या बात है। इंटरडिपेंडेंट आंसर, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इकोसिस्टम्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक न्यूट्रिएंट हैबिटेट सर्वाइवल एक्सेट्रा। तो ये हैबिटेट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, हैबिटेट के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर सभी इंटरडिपेंडेंट होता है बेटा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट पासेस ऑन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक टू अनदर इकोसिस्टम, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉफिक लेवल समझते हो, जैसे हार्बीवोर्स हैं तो एक ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ओमनीवोर्स एक ट्रॉफिक लेवल में, कार्निवोर्स एक ट्रॉफिक लेवल में, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स एक ट्रॉफिक लेवल में आएंगे बेटा, तो ये सभी ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल एन इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और नन ऑफ दीज। एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से ट्रॉफिक लेवल वन टू ट्रॉफिक लेवल टू, ट्रॉफिक लेवल टू टू ट्रॉफिक लेवल थ्री, तो एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा। अंकित आनंद वेरी गुड, आपने तो पहली बार में सही आंसर दिया। बी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द वॉट एन इकोसिस्टम डिक्रीजेस एट इट पासिस फ्रॉम द वॉट वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। फॉर एग्जाम्पल इन द फूड चेन ऑफ नॉट 100% ऑफ द एनर्जी इज वॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, फ्रैक्शन ऑफ इट ट्रांसफर्ड। देखिए भाई क्या होता है, अगर 1000 यूनिट या 10,000 यूनिट एनर्जी लेके चला तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 1000 ही पहुंचेगा, 10% पहुंचता है ना, उसके बाद 100 पहुंचता है, फिर उसके बाद 10, लास्ट में एक ही रह जाएगा। यही तो होता है ना फूड इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम यही है, 10% लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन स्क्रीन, व्हाट टर्म डिनोट्स द ऑर्गेनिज्म गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स एंड सिंथेसाइजर्स। प्रकाश गौरव आंसर मिल रहा है आपका, आपने 12 का बी बताया है, सही है बेटा। 13 का नंबर आ गया है, व्हाट टर्म डिनोट्स द ऑर्गेनिज्म गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स। जो फूड गेट मतलब मिलता है जिन्हें फूड, जो फूड पाते हैं उनको क्या कहेंगे। प्रकाश गौरव बट वेरी इंटेलेक्चुअल, हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं बेटा, सही कहा, 2000 था, हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो प्रोड्यूसर होता है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। यस, हेटरोट्रॉफ्स में, हेटरोट्रॉफ्स में वही सब ऑर्गेनिज्म आएंगे जो फूड कंज्यूम करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड requirements. These organisms are commonly known as consumers and directly indirectly dependent on the producers, green plants for their nutrient needs. Question number 14 on screen. The word ecology was coined in 1866 by, ये तो बेटा सबको आता होगा, अगर आपने इसमें से किसी ने आंसर गलत बताया तो आपसे नाराज हो जाऊंगा फिर मैं।
इकोलॉजी टर्म को किसने का इस किसने अनाउंस किया था सबसे पहले, क्वाइन किया था? आंसर इज अनसेकल. द टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड इन द 1866 बाय अनसेकल फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग हाउस एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी. 14. का डी है बेटा, डी अनसेकल है. यस अंकित आनंद, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज्ड इन द बायोमास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज्ड इन द बायोमास? एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी? आंसर इज सोलर एनर्जी, क्योंकि इकोसिस्टम या बायोमास एटॉमिक एनर्जी क्या करेगा बेटा, उसे तो बम बनता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. जियोथर्मल एनर्जी से फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, टाइडल एनर्जी में नहीं है, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज इन बायोमास. इट इज द एनर्जी दैट इज यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड. द कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड एंड इट इज एक्युमुलेटेड इन द बायोमास. अंकित आनंद जी, क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा. जियोथर्मल एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एंजॉय करेगा, कैसे एंटरटेन करेगा? आंसर इज बी, सोलर एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 16 ऑन स्क्रीन. द टर्म इकोसिस्टम वॉज एनंसिएटेड बाई सीसी पार्क, जी मैंडल, ए जी टेंसले, ईपी ऑडम. आंसर इज ए जी टेंसले. प्रकाश गौरव जी का आंसर नहीं आया अभी तक. प्रियंका का आंसर अभी तक नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है. आंसर क्या है इसका, एजी टेंसले सी. द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड फर्स्ट बाय एजी टेंसले. इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन एन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्पेस. क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, नॉट इंक्लूडेड अंडर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? Which one of the following is not included under the basic component of the environment? Environment के basic component में, हाँ सही है बेटा, 16 का बी है. Which one of the following is not included under the basic component of the environment? Environment का basic component क्या नहीं है? Not included. A. अबायोटिक कंपोनेंट, बी बायोटिक कंपोनेंट, सी एनर्जेटिक एनर्जी कंपोनेंट एंड डी स्पेशियल कंपोनेंट. बेटा अबायोटिक कंपोनेंट काउंट होता है, बायोटिक कंपोनेंट भी काउंट होता है, एनर्जी भी, लेकिन स्पेशियल कंपोनेंट अंतरिक्ष वाला काउंट नहीं होता है. स्पेशियल कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट.
अंकित आनंद, गुड बेटा, वेरी गुड, खुश कर दिया आपने इस बार, आई रियली बिकेम हैप्पी। प्रकाश गौरव, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में कौन हेल्पफुल नहीं है? इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी एंड होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए है ना, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल इसमें नहीं होगा? दैट इज द व्हाट, इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी। अगर इकोसिस्टम यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इकोलॉजिकल स्टेबल, इकोलॉजिकल सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता बेटा। इकोलॉजिकल सिस्टम कैन नॉट बिकम स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बात है? अंकित आनंद जी का आंसर अभी आ गया, 18 सी। इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी इज नॉट हेल्पफुल इन द व्हाट, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एज इट इज मोर प्रोन टू द वल्नरेबिलिटी। अगर यूनिफॉर्मिटी होगा तो जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी फिर। यूनिफॉर्मिटी की जगह पर डाइवर्सिटी होता तब ज्यादा अच्छा होता, डाइवर्सिटी होने से स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। अगर किसी इकोसिस्टम में टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कम है, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम है तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी बेटा? प्रॉब्लम होगी, जल्दी से हैबिटेट के डिस्ट्रॉय होने का चांस रहे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन स्क्रीन, अ पेस्टिसाइड विच इज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन द फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स पर उसको स्प्रे किया जाता है। द फूड चेन इज फूड क्रॉप रैट स्नेक हॉक, इन दिस फूड चेन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड वुड बी एक्युमुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा पेस्टिसाइड्स का? ऑप्शन ए फूड क्रॉप, ऑप्शन बी रैट, ऑप्शन डी स्नेक, सी ऑप्शन डी हॉक। सी स्नेक है, डी हॉक है। यहां पहले फूड क्रॉप है, फिर रेट है, स्नेक है, हॉक है। आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर बेटा। अंकित आनंद, क्वेश्चन को थोड़ा यह सोचना है कि इन दिस फूड चेन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड वुड बी एक्युमुलेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अंकित आनंद जी थोड़ा दिमाग और लगाइए बेटा। यूपीएससी प्रिपरेशन, करेक्ट। हॉक होगा अंकित जी, हॉक, क्योंकि फूड क्रॉप्स को हमने पेस्टिसाइड्स दिया फूड क्रॉप्स को बचाने के लिए, फिर उससे रैट ने कंज्यूम किया, रैट को स्नेक ने, और स्नेक को किसने किया? हॉक ने। तो जो सबसे लास्ट में होगा उसमें सबसे ज्यादा रहेगा। Highest concentration of the pesticide will be accumulated in the species which are on the top of the food chain. The food chain ke top mein hota. In this case, it is the hawk in the what, which highest pesticide concentration will accumulate due to what? Biomagnification. Biomagnification kya hai? Increasing the concentration of fires, increasing the concentration of pollutants. Biomagnification kya tha beta? Increasing the concentration. Biomagnification kya hai? Increasing the concentration of pollutants with increasing trophic level. Trophic level के बढ़ने के साथ में क्या होगा? Pollutants का concentration बढ़ता जाएगा। हाँ, biomagnification.
बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है बेटा, ट्रॉफिक लेबल वन, ट्रॉफिक लेबल टू, ट्रॉफिक लेबल थ्री, ट्रॉफिक लेबल फोर, तो इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसमें होगा, इसके बाद इसमें, तो टी फोर में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इकोलॉजी एन इकोसिस्टम इज द नेचुरली अकरिंग assemblage of the organism, plant, animal and other living organism, also referred to as biotic community or biocenosis. Living together with their environment or biotope functions as a unit of sorts. Statement 2, the term ecosystem first coined by Arthur Tinsley. Which of the statement given above is are correct? देखते हैं इसका आंसर कौन सही बताता है। स्टेटमेंट वन पहले देख लीजिए, ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो रेफर्ड टू एज द बायोटिक कम्युनिटी और द बायोसिनोसिस, लिविंग टूगेदर विद देयर एनवायरमेंट है ना, और बायोटॉप फंक्शंस एज व्हाट, अ यूनिट ऑफ सॉर्ट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट टू है, इकोसिस्टम को सबसे पहले आर्थर टेंसले ने पॉइंट किया था। आंसर इसका बेटा सी है। इकोसिस्टम इज द व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय इजी टेंसले। तो आंसर इसका सी हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट वन बोथ आर करेक्ट। इसी के साथ मेरा टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। 10% डिस्काउंट के लिए SNT1 कोड यूज करिए। साथ में बताना चाहूंगा कि 20th अक्टूबर से बेटा प्राइस हाइक करने जा रहा है, तो आप सभी उससे पहले अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन बिफोर 20th अक्टूबर एज देयर इज गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस इंक्रीज करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम।